हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथन में प्रिंट फंक्शन का क्या यूज़ है. ओके, द प्रिंट फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट और डिस्प्ले आउटपुट ऑन द आउटपुट डिवाइस विच इज़ नॉर्मली अ मॉनिटर. प्रिंट फंक्शन की हेल्प से आप अपने आउटपुट को प्रिंट करा सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो, राइट. तो इसका सिंटेक्स क्या है प्रिंट फंक्शन? प्रिंट फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. ओके, आप वेरिएबल्स को भी डिस्प्ले करा सकते हो. कॉन्स्टेंट्स वैल्यू हो सकती है, लाइक आपकी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वैल्यूज हो सकती हैं, राइट. ओके, एंड यहाँ पे स्टार का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द मोर देन वन ऑब्जेक्ट. आप प्रिंट फंक्शन में एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हो. ओके, एंड नेक्स्ट पैरामीटर है आपका सेपरेटर एंड एंड पैरामीटर, राइट. ये क्या है? ये ऑप्शनल है दोनों. सेपरेटर, वी कैन पुट अ सेपरेटर लाइक कोमा. आप वैल्यूज को एक दूसरे से अलग कराने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेपरेटर्स का यूज कर सकते हो, लाइक आपका कोमा हो गया, आपका सेमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया. ओके, और बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी सेपरेटर स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका स्पेस एज अ सेपरेटर आता है. ओके, जो वैल्यूज को सेपरेट करता है. नेक्स्ट वी हैव द एंड करेक्टर. द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रिंट फंक्शन इज न्यू लाइन करेक्टर. जो प्रिंट फंक्शन में जो लाइन, जो भी लाइन आप एंड करते हो, वो कैसे एंड होती है? प्रिंट फंक्शन का एंड होता है विद द न्यू लाइन करेक्टर. न्यू लाइन करेक्टर इज लाइक अ एंटर की. ओके, न्यू लाइन करेक्टर में क्या होता है? आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग में चला जाता है. ओके, तो ये सारा प्रैक्टिकली भी मैं आपको समझाती हूँ. सो अ न्यू लाइन इज अपेंडेड टू द आउटपुट इफ नो अदर करेक्टर इज स्पेसिफाइड विद द एंड आर्ग्यूमेंट. अगर आप एंड आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट कमांड क्या करता है, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जो भी आप डिस्प्ले करा रहे हो उसके एंड में न्यू लाइन करेक्टर को अपेंड कर देता है, ज्वाइन कर देता है. ओके, नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स हियर. ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रिंट फंक्शन में अपनी स्ट्रिंग वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कराया. जैसे मैंने लिखा हेलो, राइट, एंटर किया, आपका हेलो आ गया. आप मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज़ को भी इसमें प्रिंट करा सकते हो. जैसे मैंने लिखा हेलो, कोमा लगा दिया, ठीक है, हाउ, इसके बाद भी कोमा लगा दिया. ओके, आर, ओके, एंड यू, यू, राइट, दिस आपका आ गया हेलो हाउ आर यू. आपने मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करा दिया. ओके, तो यहाँ पे मैं नंबर्स को प्रिंट करा देती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे 25 प्रिंट करा दिया तो मेरा 25 प्रिंट हो गया है. नेक्स्ट मैंने प्रिंट करा दी फ्लोट वैल्यू अपनी 25.5. ओके, मैं नंबर्स में भी मल्टीपल वैल्यूज अगर प्रिंट कराना चाहती हूँ तो मैं उसको प्रिंट करा सकती हूँ 40, राइट. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपने नंबर्स को मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कराया है. ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने सेपरेटर कोमा दिया है, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट स्पेस आया हुआ है क्योंकि मैंने सेपरेटर आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे यूज़ नहीं किया. अगर मैं करती हूँ प्रिंट और मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, 40 लिखा, राइट, और मैंने सेपरेटर की वैल्यू दे दी यहाँ पर, सेपरेटर की मैंने मान लो कोमा ही दे दिया, ठीक है, कोमा वैल्यू दे दी है, राइट. तो अब देखो मेरी जो वैल्यूज आई हैं वो किसके साथ आई हैं, कोमा के साथ आई हैं. ओके, नेक्स्ट अगर मैं प्रिंट कराती हूँ प्रिंट 10, 20, 30, ओके, 40, एंड अब मैंने सेपरेटर की वैल्यू दे दी है, मैंने यहाँ पे दे दिया है एट द रेट. ओके, एट द रेट मैंने एज अ सेपरेटर दे दिया. बाई डिफॉल्ट हमारा सेपरेटर की वैल्यू क्या होती है, स्पेस होती है, फाइन. तो एट द रेट आ गया, देखो इन बिटवीन एट द रेट आ गया, आप कोई भी सिंबल दे सकते हो, ठीक है. देखो जब मैंने यहाँ पे सेपरेटर की वैल्यू डिफाइन नहीं की थी तो बाय डिफॉल्ट स्पेस आ रहा था, वैल्यूज़ के बीच में स्पेस आ रहा था. यहाँ पे भी देखो आपने सेपरेटर की वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट स्पेस आया हुआ है. हेलो के बाद स्पेस है, हाउ, हाउ के बाद स्पेस है, आर के बाद स्पेस है, राइट. तो आप सेपरेटर की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, अलग अलग आप सेपरेटर की वैल्यूज दे सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, अगर मैं नेक्स्ट लिखती हूँ प्रिंट, प्रिंट मैंने किया हेलो, ओके, एंड मैंने नेक्स्ट लिखा वेलकम, राइट, और मैंने यहाँ पे सेपरेटर की वैल्यू दे दी. सेपरेटर की वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे स्टार, ओके, सेपरेटर आ गया आपका.
आपका स्टार एज अ सेपरेटर आ गया, स्पेस की जगह आपका क्या आ गया, स्टार आ गया, राइट। तो आप अगर सेपरेटर आर्ग्यूमेंट दोगे और उसमें जो भी सेपरेटर दोगे तो वो आ जाएगा, अगर आप सेपरेटर आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो प्रिंट फंक्शन के अंदर तो बाय डिफॉल्ट स्पेस एज अ सेपरेटर आएगा, फाइन, ओके। अब देखो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में, अगर यहाँ पे देखो मैं करती हूँ 25 डिवाइडेड बाय 2, राइट, यू विल गेट द रिजल्ट, फाइन। तो आप एक कंप्लीट एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, ओके। तो ये तो मैंने आपको कांस्टेंट पे कांस्टेंट वैल्यूज दिखाई हैं। अब देखो मैंने एक वेरिएबल लिखा a=20, मैंने इसकी वैल्यू दी। अब मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया, प्रिंट ए, आपकी वेरिएबल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना है, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ प्रिंट और मैंने इसको विद इन कोट्स दे दिया, तो अब यहाँ पे जो ए है ये मेरा वेरिएबल नहीं है, ये मेरा क्या बन गया, स्ट्रिंग वैल्यू बन गई है, राइट। अगर अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो ए आएगा, इसकी वैल्यू नहीं आएगी, फाइन। तो आपको वेरिएबल प्रिंट कराते टाइम ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल की वैल्यू को आप कोट्स में नहीं दोगे, ओके, अदरवाइज वो एज इट इज़ आ जाएंगी, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से लिखा a=20, ओके, b=, आपका 30, एक वेरिएबल ले लिया हमने सम, सम हमारा हो गया a+b, राइट। तो मैंने प्रिंट में अगर लिख दिया, यहाँ पे कोट्स में लिख दिया अगर मैंने सम, तो क्या होगा, सम एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा, आ गया, ओके, इसकी वैल्यू नहीं आई। लेकिन अगर मैंने प्रिंट में लिखा प्रिंट एंड आपने लिखा यहाँ पे sum सम, राइट, तो अब देखो इसकी वैल्यू आई है, इस वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है, और आपको एक्सप्रेशन मतलब आपको अपने वेरिएबल के साथ कुछ और भी प्रिंट कराना है, एज इट इज़ प्रिंट कराना है, तो आप उसको कोट्स में दे दो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सम ऑफ टू वैल्यूज इज, राइट, ये क्या होगा, आपने कोट्स में दिया, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद हमने सम वेरिएबल दे दिया विदाउट कोट्स, राइट। तो अब देखो ये आपका आ गया सम ऑफ टू वैल्यूज इज 50, ओके। तो अगर आप कोट्स में दोगे तो क्या होगा, वो एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आप कोट्स में देते हो तो एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा, फाइन। तो इसका ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स को, अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ अगर आपको प्रिंट करानी है तो आप उनको कोट्स में नहीं दोगे, फाइन। अब मैं आपको पाइथन के एन करेक्टर का यूज़ बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट में मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन, ओके, नेक्स्ट प्रिंट मैंने ले लिया प्रिंट प्रोग्रामिंग लिख लेते हैं हम यहाँ पे, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड देन प्रिंट क्लास, राइट, ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास। यहाँ पर कोई भी एंड करेक्टर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, राइट। तो पाइथन ने बाय डिफॉल्ट क्या एंड करेक्टर लिया है, न्यू लाइन एज अ एंड करेक्टर लिया है। न्यू लाइन एंड करेक्टर लेने का क्या मीनिंग है, पाइथन आएगा फर्स्ट टाइम पाइथन प्रिंट होगा, फिर कर्सर चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ओके, तो प्रोग्रामिंग नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, देन क्लास नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अब देखो अगर मैं इसको सेव करती हूँ कंट्रोल एस, मैंने सेव कर दिया, मैंने इसको दे दिया फाइल को नेम J1, राइट, हम इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल, ये देखो पाइथन, देन आपका नेक्स्ट लाइन में प्रोग्रामिंग, देन नेक्स्ट लाइन में आपका क्लास, राइट। अब यहाँ पे एंड करेक्टर बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन का क्या होता है, न्यू लाइन करेक्टर होता है। न्यू लाइन कहाँ ले जाता है, कर्सर को, इन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ओके। आप इस न्यू लाइन करेक्टर को अगर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, राइट। मैं कुछ और न्यू लाइन करेक्टर करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं यहाँ पे एंड नॉट न्यू लाइन, मैं एंड करेक्टर चेंज करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड करेक्टर, मैंने कर दिया यहाँ पे स्पेस, राइट, ये मैंने एज अ एंड करेक्टर ले लिया, और यहाँ पे भी मैंने एंड करेक्टर ले लिया स्पेस, राइट, ओके, हम इसको सेव कर देंगे। अब नाओ आप इसको प्रिंट करो, रन किया, रन, देखो पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास एक ही लाइन में आ गया है, क्योंकि अब हमने क्या किया है, एंड करेक्टर को चेंज कर दिया है, राइट, सेपरेट जो एंड करेक्टर है हमारा, उसको हमने जो बाय डिफॉल्ट आपका न्यू लाइन करेक्टर था उसको मैंने यहाँ पे स्पेस कर दिया है। तो स्पेस करने के बाद क्या हुआ है, तो स्पेस आ गया है, राइट। आप यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया स्टार, ओके, स्टार दे देते हैं, स्टार
राइट, फोर स्टार यहाँ दे दिए हैं और फोर स्टार आप यहाँ दे दो। सेव कर दिया, नो रन। देखो अब स्टार आ गया है, ओके। एंड में क्या आ गया, प्रिंट फंक्शन का जो एंड था वहाँ पे स्टार आ गया है, ओके राइट। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि सेपरेटर का क्या यूज़ है और एंड करेक्टर का क्या यूज़ है प्रिंट फंक्शन के अंदर, फाइन। अब मान लो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी प्रिंट स्टेटमेंट है, एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद एक लाइन का गैप आए या दो लाइन का गैप आए। यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन, ओके। नेक्स्ट मैंने लिखा प्रिंट प्रोग्रामिंग, यहाँ पे आपने लिखा प्रोग्रामिंग, ओके। एंड देन आपने लिखा प्रिंट क्लास, राइट। अब एंड करेक्टर क्या है, न्यू लाइन करेक्टर है, तो पाइथन के बाद प्रोग्रामिंग नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्लास नेक्स्ट लाइन में आएगा, राइट। आप इसको रन करेंगे तो ये आपका आ गया पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास, आ गया, फाइन। अब मैं चाहती हूँ पाइथन के बाद एक लाइन का गैप आए, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एम्प्टी प्रिंट फंक्शन दे दोगे, राइट, विदाउट एनी स्टेटमेंट, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, फाइन। अब मैं प्रोग्रामिंग के बाद भी एक लाइन चाहती हूँ, एम्प्टी लाइन, तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी प्रिंट फंक्शन दे दिया, फाइन। तो एम्प्टी प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आपको एक ब्लैंक लाइन देता है, राइट, इट विल क्रिएट अ ब्लैंक लाइन। तो यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं, नाउ रन द प्रोग्राम। अब देखो पाइथन के बाद एक लाइन का गैप आया है, फिर प्रोग्रामिंग के बाद एक लाइन का गैप आया है, फाइन। मैं पाइथन के बाद और प्रोग्रामिंग के बीच में दो लाइन का गैप चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे दो बार एम्प्टी प्रिंट फंक्शन दे दिया, फाइन। इसको सेव कर लो, रन करते हैं F5। तो देखो यहाँ पे पाइथन, आप यहाँ पे देखोगे पाइथन के बाद दो लाइन का गैप आया है, फिर आपका प्रोग्रामिंग और क्लास के बीच में एक लाइन का गैप है। तो एम्प्टी प्रिंट फंक्शन की हेल्प से आप लाइन गैप भी दे सकते हो, ओके। ओके एवरीवन, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।